शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय तीन। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय तीन। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया, और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो इज़रेली अहिनोअम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी मां कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल थी। तीसरा अबशालोम, जो गशूर के राजा तलमय की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनियाह, जो हग्गित से उत्पन्न हुआ था। पांचवा शपत्याह, जिसकी मां अबीतल थी। छठवा इत्राम, जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से यही संतान उत्पन्न हुए। जब शाऊल और दाऊद दोनों के घराने के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अब्नेर शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। शाऊल की एक रखेली थी, जिसका नाम रिस्पा था। वह अय्या की बेटी थी, और इशबोशेत ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेली के पास क्यों गया? इशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूं? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूं, और तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया। फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है? यदि मैं दाऊद के साथ परमेश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं, तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा, और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बर्शेबा तक इसराइल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। तब अब्नेर ने उसके नाम से दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा कि देश किसका है, और यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इसराइल के मन तेरी ओर फेर दूं। दाऊद ने कहा, भला मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए तो मुझसे भेंट न होगी। फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मेरी पत्नी मीकल, जिसे मैंने 100 पलिश्तियों की खलड़िया देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब इशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया, और उसका पति उसके साथ चला और बहुरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। और अब्नेर ने इसराइल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की कि पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद तुम्हारे ऊपर राजा हो, अब वैसा करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में यह कहा है कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इसराइल को पलिश्तियों वरन उसके सब शत्रुओं के हाथों से छुड़ाऊंगा। फिर अब्नेर ने बिन्यामीन से भी बातें की। तब अब्नेर हेब्रोन को चला गया, और इसराइल और बिन्यामीन के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा वह दाऊद को सुनाए। तब अब्नेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया, और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए जेवनार की। तब अब्नेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इसराइल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांधे और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अब्नेर को विदा किया और वह कुशल से चला गया। तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गए, और अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में
न था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया था। जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोगों ने योआब को बताया कि नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था और उसने उसको विदा कर दिया और वह कुशल से चला गया। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तूने यह क्या किया है? अब्नेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया और वह चला गया है? तू नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और कुल काम का भेद लेने आया था। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के अनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सीरन नाम कुंड से लौटा ले आए। जब अब्नेर हेब्रोन को लौटाया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। इसके बाद जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे और योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखो मरने वाला सदा होता रहे। योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया था कि उसने उसके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया कि क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ की नाई मरे, न तो तेरे हाथ बांधे गए और न तेरे पांव में बेड़िया डाली गई। जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए, वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग कुछ दिन रहते हुए दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा कि यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी वा और कोई वस्तु खाऊं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। और सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे ही जो कुछ राजा करता था, उससे वे सब लोग प्रसन्न होते थे। तब उन सब लोगों ने वरन समस्त इसराइल ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं हुआ। और राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इसराइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं, तो भी आज निर्बल हूं और वे सरूयाह के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे।